सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, स्वागत आपका परफेक्ट टाइमलाइन में। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, सभी ठीक होंगे और रहने भी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड आपको दिखाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्गेनाइज अ वन डे अवेयरनेस वर्कशॉप डेयरी वेस्टर्स मैनेजमेंट ऑन द ईवीई ऑफ नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। नेशनल पोल्यूशन डे मनाया जा रहा है 2 दिसंबर को विक्रम चौक में। और आपको दिखा दें कि आज का जो हमारा मेन है, जो पोल्यूशन डे ये मनाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या क्या आज मैसेज हैं, क्या क्या इसके ऊपर जो बातें वो बनी हुई हैं। और आपको सबसे पहले मैं कुछ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ है से नॉट सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन कैरियर बैग्स। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चीज़ के ऊपर पूरा अमल होना चाहिए और अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो एक नई चीज़ सामने उभर के आएगी। जो पोल्यूशन प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन कैरी बैग्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम कदम बढ़ाएंगे, हम हाथ मिलाएंगे, हम एक दूसरे के साथ साथ मतलब कोशिश करेंगे, तभी हम इन चीज़ों से मुक्त हो सकेंगे, तभी हमारा जम्मू जो है स्मार्ट सिटी बनेगा। खाली कहने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता। बात करते हैं सेव तवी कैंपिंग, और एक और बोर्ड आपको दिखा दिया, सेव कैंपिंग, एक कैंपिंग होने जा रही है और सभी ने अपने नो प्लास्टिक बैग्स वगैरह, लाइफ, फ्यूचर, क्लीन माइंड, क्लीन जम्मू, ये बातें सिर्फ कहने से नहीं होती, इसे पर अमल भी करना पड़ता है। आपको दिखा दें, आप वर्कशॉप की ओर थोड़ा रुख करेंगे, ये सामने हमारे वर्कशॉप है जो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लगाई, जो इसको मनाया जा रहा है, चैनल पेरेंटर्स विद द लीडिंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड द इको फ्रेंडली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस। जो है ये आप स्टार्टअप करते हैं, यहाँ पे जो एक वर्कशॉप लगा हुआ है, हमारी कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा दिखाया जाए कि किस तरह ये वर्कशॉप का है, एक सिस्टम है जो पहले यूज़ हुआ था। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस वर्कशॉप में जो है करेंगे हम। और ये देखिए, हमारा पूरा देसी सिस्टम, बिल्कुल एक कोशिश करते हैं कि क्या ये लगा हुआ है वर्कशॉप और किसके बारे में लगा हुआ है और आज का ये मकसद क्या और क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट टाइमलाइन में। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ सर, जो आज का ये मैसेज है और ये क्या चीज़ है जो लगी हुई है वहाँ पे, जो लगा हुआ है, मतलब इसका और साथ में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, ये हमारा गिर गए का दूध है, इसमें कैलेस्ट्रोल नहीं बढ़ते हैं, इसमें ए टू प्रोटीन होता है, ये हमारा सेल भी होता है गांधीनगर, संजनगर, हमारा दूध जाता है सुबह मिल्क वैन में, हम सेल भी करते हैं इसकी। तो ये हमारा ये खाद है, ये हम बनाते हैं, कोई जब गायें गोबर करती है ना, हम 2 मिनट तक इसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके अर्थ बाम के साथ इसको तैयार करते हैं। गाय का जो गोबर है, हाँ, उससे इसको ड्राई किया जाता है और उसकी खाद बनती है, खाद बनती है बिल्कुल। और ये हम अर्थ बाम के साथ इसको तैयार किए जाते हैं। फिर उसके अलावा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब आज के जो पोल्यूशन कंट्रोल, जो कैरी बैग यूज़ होते हैं, तवी को गंदा किया जा रहा है, फिर स्मार्ट सिटी का नारा लगाया जाता है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या एक मैसेज है आपकी तरफ से कि जो ऐसा कुछ किया जाए जैसे हमारी जम्मू सिटी जो है सच में स्मार्ट बन जाए? देखिए, जम्मू सिटी हम मतलब कि साफ़ रखनी चाहिए, हम जो गोबर होता है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके साथ ये खाद बनानी चाहिए, जिससे हम हमारे साथ फ़ायदा हो। तो जो सिटी के लोग होते हैं उनको ये खाद नहीं मिल पाती है, जो हम खाद बना के हम सेल किए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा कि गोबर के, गाय के गोबर से जो ये गैस मतलब बना के, खाद बना के रख के इसको किया जाता है, और प्योर दूध की बात की है तो अगर मैं दूध की बात करूं तो ये संजय नगर, काफ़ी इन्होंने बताया विकता, और ये KDF फ्रेश काउ मिल्क जो है ये आपको मैं बता देता हूं वो है, और बड़ा अच्छा मैसेज है। और साथ साथ में हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि आगे भी जो है वर्कशॉप लगी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये मिट्टी की पदार्थ मूर्तियाँ और जो आप चले देख सकते हैं, और थोड़ा जूम कर दिखाएँ कि, और आप देख सकते हैं, और इसी के साथ आगे फिर से दिखाइए इसके साथ साथ आप, और यहाँ पे आप आगे बात करते हैं। ये तो हो गई खाद और पदार्थ की बात, जो मतलब अगर एक प्योर चीज़ हम खाएंगे, वैसे आजकल के टाइम पे जो प्योर है वो बिल्कुल मिलना नामुमकिन है, लेकिन हम वही एक बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हम यहाँ पे पहले स्वागत करते हैं, एक और हमारे भाई जी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि सर ये क्या चीज़ है और आप ये क्या लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस क्या देना चाहते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा जनाब, आपका नाम क्या है जी? पूर्ण सिंह मेरा नाम है जी, और ये हमारे पास ये कौडक की बनी हुई आइटमें हैं,
आजकल कोरोना के टाइम में जैसे मास्क बहुत ज़रूरी है, जो मास्क 100% कॉटन से बना हुआ है, इसमें कोई कपड़ा कोई कागज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके हमारे ये शगन कार्ड वगैरह होते हैं जो हम विवाह शादियों में देते हैं, ये भी 100% कॉटन से बना हुआ है। ये हमारे पास बैग हैं, कैरी बैग, ये कॉटन के बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेबल डायरी वगैरह होती हैं, ये सारी कॉटन से बनी हुई हैं। इसके पेपर नोट्सबुक जो हैं सारे कॉटन से बने हुए हैं। क्या क्या मकसद है, मतलब जो ये कॉटन से क्यों बनाया जाता है? हमारा कॉटन से एक तो ये मतलब है कि इसमें एक तो पोल्यूशन नहीं फैलता है, और दूसरा क्या है, जैसे आजकल आपने आम देखा होगा कि जब घर में गाय वगैरह बूढ़ी हो जाती है, लोग उनको छोड़ देते हैं, तो इससे जो हर चीज़ जो है उसका कॉटन जब इस्तेमाल होगा, एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरा गौ माता की भी रक्षा होगी। आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा मतलब सवाल पूछना चाहूँगा कि सामने बोर्ड लगा था जहाँ हमने पढ़ा था कैरी बैग्स और तवी को फ्री किया जाए, किस तरह ये हो सकता है? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आपने जरिए कि खाली बातें करने से तो मतलब पोल्यूशन फ्री नहीं हो सकता, स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती, लेकिन कि एक ऐसा मैसेज आप बताइए कि हमारे जो नौजवान युवा पीढ़ी है और आने वाले समय में जो आगे बढ़ेंगे, जिस तरह के हालत बने हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि हमारे अंदर जो मतलब हम एक अच्छा कुछ खाने को मिलेगा, या क्योंकि जिस तरह के हालत बने हुए हैं उसमें आप क्या एक मैसेज देना चाहें? नहीं, हमारे पास जैसे ये कॉटन के बने हुए कैरी बैग वगैरह हैं, एक तो इससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलेगा, दूसरा हमारी जैसे नालियाँ वगैरह बरसातों में ब्लॉक हो जाती हैं, ये पेपर जो है घुल मिल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, एक ये खाद का भी काम करता है, और दूसरा जो है इससे बिल्कुल जो है हमारा बाढ़ का जो कोई वैसी स्थिति है जो नहीं आती है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हर आदमी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन भी हमारा ख़राब ना हो, और दूसरा ये गौ माता की भी सेवा होती है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सभी जो चीज़ें हैं काउ डंग, यानी कि अभी थोड़ी देर आपको दिखाया पेपर प्लास्टिक बैग्स, और मतलब अवॉइड करने के बाद जो काउ डंग से चीज़ें बनी हुई है, अब खाद आपको दिखाई, तो अब हम पहुँचे हुए हैं काउ डंग जो है, देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है कि ये दिए और मिट्टी के, और ये काउ डंग का ये कैमरामैन से कहूँगा ये भी दिखाए, गमले बने हुए हैं, और क्या क्या इनके फ़ायदे हैं काउ डंग प्रोडक्ट्स जो हैं, और यहाँ पे हमारे भाइयों से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज का जो इनका जो मकसद है, क्या संदेश क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आज ये बड़ा दिन मनाया जा रहा है यहाँ पे एक, तो उसके बारे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमित मेहरा। अमित मेहरा जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आज ये जो काउ डंग के पदार्थ बने, और इसके बारे थोड़ा बताइए क्या है? सर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो काउ डंग से बने हुए हैं, और सारे ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो देसी गाय होती है, जब तक वो दूध देती है तब तक तो लोगों ने उनको घर पे रखा होता है, जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनको घर से बाहर निकाल लेते हैं, और फिर वो रोड पे भटकती है, जिससे एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हैं और उनकी हेल्थ के रिलेटेड भी इशू। बिल्कुल सही। और हमारा यही मोटिव है कि हम गाय के गोबर की थोड़ी अहमियत बनाए, ताकि वो जो है खुद उनको गोबर को बेच सके, या सिर्फ खुद प्रोडक्ट्स बनाए गोबर के और खुद बेचे, ताकि उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़े और वो गाय को अपने घर पे ही रखें। उसके साथ साथ अभी जो थोड़ी देर पहले एक मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लास्टिक बैग्स तवी, मतलब ये सभी को मैंने सवाल किया है, तवी मतलब सफाई जो है गंदगी हम चाहते हैं, और वहाँ पे मतलब सूर्यपुत्री जैसे बोलते हैं, वहाँ पे जाके बड़े प्यार से उसको नमस्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो दृश्य देखा जाता है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जो भी इनके हाथ में होता है, और उसी सूर्यपुत्री के अंदर वो फेंक देते हैं। और साथ साथ में जो आपके जैसे यूथ हैं आज, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह ये कंट्रोल होगा, या खाली बातों से होगा, या उसमें अमल भी करना पड़ेगा? ऐसे ये जैसे कि हम तभी पुल पर देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स है वो जो तवी से नीचे फेंकते हैं, साथ में हम उनको सूर्यपुत्री तवी भी कहते हैं, और खुद ही गंदा कर रहे हैं। ये तो यूथ को यही मैसेज है, खुद ही हम अपने सबको इसके अवेयर करेगी, ताकि तवी में ये सब पोल्यूशन होता है, ये सब पॉलीथीन बैग्स नहीं फेंके, अगर यूथ ही ट्राई करेगा तो तभी चेंज आएगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जैसे आपको देखें कितना अच्छा मैसेज दिया है, कि इनके मैसेज का यही मतलब था कि अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी ये आज की ये नहीं है, बड़ी पुरातन पुरानी युगों से चलती आ रही है रीति के, जैसे मिट्टी के दीवे हो गए, काउ डंग का जो बन रहा है, इससे हमारा पोल्यूशन फ्री रहता है। मैं क्या